बैठा हुआ हूँ रांची यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में सर जॉन ब्रेज के साथ। और सर काफी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग जानते होंगे कि सर ने अमृतु सेन के साथ भी काम किया, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। और मैं चाहूंगा सर से कि एक बार सर जो बच्चे इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में तैयारी दुनिया के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में, तो उनके लिए एक छोटा सा क्या संदेश रहेगा सर उन बच्चों के लिए, कैसे वो अपने साइकोलॉजिकल डायमेंशन को चेंज करके वो पढ़ाई लिखाई से हट करके वो एक ग्रोथ ऑफ इंडिया के लिए, यानी कि वो ग्रोथ हो सकता है कि हमारे मजदूर भाइयों के लिए हो, वो ग्रोथ हो सकता है कि हमारे जितने भी जो बच्चे कुछ स्टार्टअप ले रहे हैं उसके लिए हो, तो क्या संदेश रहेगा सर? जो लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं मुझे लगता है कि सबसे जरूरी है कि अर्थशास्त्र क्रिटिकली सीखें। हम लोग इकोनॉमिक्स क्रिटिकली नहीं सीखेंगे और एज इट इज इसको विश्वास करेंगे जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स है, तो हमको लगता है कि इससे सीखने को मिलेगा, लेकिन इससे ब्लिंकर्स भी बनेंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी समाज और राजनीति के अलग से एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इकोनॉमिक्स समाज और पॉलिटिक्स सब जुड़े हुए हैं। और ये तो मैंने खुद ज़्यादा से ज़्यादा अमर्त्य सेन से सीखा है। जब मैं खुद पढ़ता था इकोनॉमिक्स उस समय पूरा मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स पढ़ता था, उस समय भी मुझे सामाजिक काम में रुचि था, बट आई कुड नॉट कनेक्ट इकोनॉमिक्स विथ सोशल कंसर्न्स, बिकॉज ये जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते थे बहुत फॉर्मल था और इट वॉज कट ऑफ सम सोशल एंड पोलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। सो माई मेन एडवाइस इज लर्न क्रिटिकली एंड ट्राई टू कनेक्ट इकोनॉमिक्स विद सोसाइटी एंड पोलिटिकली, नहीं तो आपके ब्लिंकर्स बनेंगे और इन ब्लिंकर्स को निकालने के लिए बहुत समय लेंगे।